नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो कक्षा 11वीं विषय हिंदी का पेपर अभी अभी सुबह मुझे मिल चुका है। यहाँ पर यह वायरल, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बिल्कुल असली पेपर है। तो आपको जो है इसकी तैयारी कर लेनी है। यदि आप जो है तैयारी करके आ जाते हो, यदि आप इसकी तैयारी कर लेते हो, तो आपको कक्षा 11वीं हिंदी में जो है 80 या फिर 90 नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आप जो है इसकी खटाक से प्रिपरेशन कर लीजिए। यदि आप इसे जो है हल कर लेते हो, तो आप जो है परीक्षा में बिल्कुल बवंडर ला दोगे, भूचाल मचाने वाले हो। तो आइए मैं इसको यहाँ पर फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, सही विकल्प आपको चुनना है। पहला आपको दिया है पंडित आलोपी दीन ने मुंशी बंसीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। दूसरा दिया है मियां नसीरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे। तीसरा में दिया है तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विधा का ताप कहां लगेगा, इसमें यह वाक्य है। चौथा में दिया है तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, मैं फाइल किस अर्थ में व्यक्त हुआ है। पांचवा में दिया है भारत शब्द किस भाषा का है। अगला हमें यहां पर जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला में दिया है मुंशी प्रेमचंद जी की कलम के सिपाही के लेखक खालिस्तान है। दूसरा मियां नसीरुद्दीन ने खालिस्तान बनाने का हुनर सीखा था। तीसरा में दिया है बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान खालिस्तान था। चौथा दिया है डिप्टी सेक्रेटरी का हिंदी अर्थ खालिस्तान है। पांचवा है नेहरू जी जलसों में खालिस्तान की चर्चा करते थे। अगला हमें यहां पर दिया है सत्य या फिर असत्य को चुनाव करना है। पहला है पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। दूसरा लेखिका कृष्णा सोबती जी नानाबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर रोटी खरीदने गई थी। तीसरा धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। चौथा स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है। पांचवा पेड़ की बजाय आदमी को काटने की सलाह सरकारी संवेदनहीनता है। चौथा क्वेश्चन में हमें जो है सही जोड़ी को मिलान करना है। तो देखिए आप जो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला में दिया है मासिक वेतन, दूसरा दिया है रुमाली, तीसरा है रुद्री पाठ, चौथा है अर्जेंद, पांचवा है मेरी कहानी। अब छात्रों अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। पहला दिया है नौकरी में मैं आपको बताने वाला हूं एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, आपकी पढ़ाई में आ रही हर दिक्कत का सॉल्यूशन है फ्लो है। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस थ्री इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले। अपने फोन नंबर के साथ इजीली साइन अप कर ले। अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फ्लो ऐप आपको 16 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइस इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो विद्यार्थियों आप जो है सारे यहाँ पर एक शब्द या फिर एक वाक्य वाले क्वेश्चन दे सकते हैं। अब हम देखते हैं दो अंक वाले प्रश्न। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है किसने देव दुर्लभ त्याग कहा और क्यों। छात्रों इसका जो है आपको फटाफट सॉल्यूशन देख लेना है, फटाक से एक बार जो है आप इसे याद करके चले जाएंगे। दूसरा हमें दिया है दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तीसरा है मियां नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी और कैसी थी। चौथा हमें दिया है मियां नसीरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था, उसने अपनी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया। अगला क्वेश्चन है बंसीधर तिवारी कौन थे, उन्होंने जीवन भर कैसे आजीविका चलाई। अगला है अध्यापक त्रिलोक सिंह और लोहार गंगाराम के दंड देने के क्या क्या ढंग थे। अगला है स्पीति में इतिहास क्यों कम रहा है। अगला है लाहौल स्पीति में आवागमन की क्या कठिनाई है। अगला क्वेश्चन है संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना कहां तक ठीक है, लिखिए। अब देखिए छात्रों यहां पर प्रश्न 10वां हमें दिया है मन चले क्लर्क किस समस्या को स्वयं हल करना चाहते थे। अगला है पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी किस शायर का और कौन सा शेर सुनाता है। अगला है कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। अगला है नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। अगला है भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। अगला है नेहरू जी अपनी बातचीत में किन किन देशों का जिक्र करते थे और क्यों। अब छात्रों यहाँ पर देखिए हम तीन अंक का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। पहला आपको दिया है नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षकों बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। दूसरा है मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद किसने और क्यों कहा, लिखिए। अगला है मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। अगला है मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। अगला है कहानी गलता लोहा के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो छात्रों देखिए आप जो है सारे प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, खटाक से देख लीजिए, आप स्क्रीन शॉट आप लेते जाइए, है ना। और आप जो है बिल्कुल अच्छे आप इसकी तैयारी यहाँ पर कर लीजिए।